हेलो टेकीज, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पार्ट बी, जो है फिगर एक्सटेंडेड ACLs। ये PDF टेलीग्राम में है, मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अब टोपोलॉजी के हिसाब से हम डिवाइसेस को प्लेस करेंगे। टोपोलॉजी में 2 PC, 3 स्विचेस और 1 राउटर है। स्विच हमको 2960-240T यूज़ करना है और राउटर 2911, याद से जैसे टोपोलॉजी में दिया है वैसे ही करना है। अब कनेक्शंस करेंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू से, PC टू स्विच, स्विच टू राउटर। फिर PC1 से Switch 1 टू राउटर, फिर सेकेंड राउटर से स्विच। अभी राउटर का हम डिस्प्ले नेम एंड होस्ट नेम चेंज करेंगे, जो है RTA और RTA। PC0 का डिस्प्ले नेम PCA, PC1 का PCB, अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी करना है। स्विचेस का चेंज करेंगे, Switch 0 का करेंगे SWA और होस्ट नेम भी SWA, Switch 1 का SWB और SWB होस्ट नेम, Switch 2 का SWC और होस्ट नेम भी SWC। अभी राउटर को IP एड्रेस एलोकेट करना है, गिग इथरनेट 0/0, पोर्ट स्टेटस ऑन और IP एड्रेस है 10.101.117.49। मास्क 2552.255.255.248। फिर गीगाबाइट इथरनेट 0/1 में करेंगे, पोर्ट स्टेटस ऑन, IP एड्रेस 0.33, सबनेट मास्क 0.240। एड्रेसिंग टेबल में दिया है वैसे ही करना है, ये तो कुछ और IP एड्रेस डालेंगे तो नहीं होएगा प्रैक्टिकल सही से। फिर गीगाबाइट इथरनेट 0/2, IP एड्रेस है 10.101.117.1, सबनेट मास्क है 224। अभी PC1 का IP एड्रेस एलोकेट करना है, जो है 10.101.117.51, सबनेट मास्क 255.255.255.248, डिफॉल्ट गेटवे 10.101.117.49, PCB, IP एड्रेस 10.101.117.35, डिफॉल्ट मास्क 255.255.255.240 और डिफॉल्ट गेटवे 10.101.117.33। PC और राउटर का तो एलोकेट हो गया है IP एड्रेस, अभी स्विचेस को एलोकेट करना है। तीनों स्विचेस में सेम करना है तो int VLAN 1 IP एड्रेस 10.101.117.50 255.255.255.248, और डिफॉल्ट गेटवे है 10.101.117.49। अब स्विच बी को करना है int VLAN 1
आईपी एड्रेस 10.101.117.34, फिर सबनेट मास्क 255.255.255.240, नो शट, फिर आईपी डिफॉल्ट गेटवे 10.101.117.33, नेक्स्ट स्विच सी को इंट वीलैन 1, आईपी एड्रेस 10.101.117.2, सबनेट मास्क 255.255.255.224, नो शट, आईपी डिफॉल्ट हाइफन गेटवे 10.101.117.1। तीनों स्विचेस में चार कमांड सेम थे, बस आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे अलग थे और सबनेट मास्क भी। अब हम राउटर और स्विचेस में सीक्रेट एनेबल करेंगे और कंसोल पासवर्ड भी। एनेबल सीक्रेट ENPA55, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड TYIT, लॉगिन, ओके। नेक्स्ट स्विच बी, एनेबल सीक्रेट ENPA55, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड TYIT, लॉगिन। सेम स्विच सी में अब राउटर में एग्जिट एनेबल सीक्रेट ENPA55, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड TYIT और लॉगिन। नेक्स्ट अभी हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिंग करके देखेंगे PC A to PC B। सो कमांड है पिंग 10.101.117.35, लेट्स सी पिंग हो रहा है कि नहीं। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, ओके, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल आया, पिंग हो रहा है इसका मतलब। PCA टू स्विच सी करके देखते हैं तो पिंग 10.101.117.2। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, सक्सेसफुल आया। नाउ PCB टू स्विच सी करके देखेंगे पिंग। पिंग 10.101.117.2, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है पिंग। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा कॉन्फिगर स्विच एंड राउटर सपोर्ट SSH कनेक्शन। एग्जिट आईपी डोमेन हाइफन नेम CCNA security.com, लाइन VTY 04, लॉगिन लोकल क्रिप्टो की जनरेट RSA, ओके 1024 बिट वैल्यू देंगे हम लोग। नेक्स्ट ये हमको सभी स्विचेस में करना है और राउटर पे भी। एग्जिट यूजर नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन PA55, आईपी डोमेन
@name.ccnasecurity.com। अभी पिंग होता है कि चेक करेंगे। SSH कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं दिखते हैं। SSH-1 admin 10.101.117.34 पासवर्ड है admin PA55, बट हम लोग गलत पासवर्ड टाइप करके देखेंगे कि वो नेक्स्ट पासवर्ड प्रॉम्प्ट में जा रहा है, वो फिर से मांग रहा है पासवर्ड क्योंकि हमने गलत टाइप किया। हाँ, अब हमने टाइप किया admin PA55, तो उसका प्रॉम्प्ट चेंज हुआ। स्विच बी एग्जिट करेंगे, क्लोज हो गया कनेक्शन। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं SSH-1 admin 10.101.117.2, पासवर्ड है admin PA55। फिर से हमारा स्विच सी प्रॉम्प्ट पे चेंज हुआ, वो एग्जिट करेंगे। PCB से चेक करना है अभी। SSH-1 admin, वो एडमिन के जगह पे AMIN हुआ है, मिस्टेक है, आप एडमिन ही टाइप करना। 10.101.117.50, पासवर्ड है admin PA55। नेक्स्ट हम चेक करेंगे PCB से, वो SSH कनेक्शन स्विच सी को होता है क्या, वो भी सक्सेसफुल है। एनेबल पासवर्ड, फिर SSH-1 admin 10.101.117.50, पासवर्ड है admin PA55। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाते हैं जो है स्विच ए, उधर से भी एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो प्रॉम्प्ट स्विच बी पे जाता है क्या। SSH-1 admin 10.101.117.34, एग्जिट। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉन्फिगर अप्लाई एंड वेरीफाई ऑन एक्सटेंडेड नंबर ACL। कमांड्स है access-list। नंबर्ड कर रहे हैं इसके लिए नंबर दिया है 199। परमिट TCP, आईपी एड्रेस है 10.10. आईपी एड्रेस है 10.101.117.32। सबनेट मास्क और मास्क है 0.0.0.15। नेक्स्ट 10.101.117.0, feed 0.0.0.31, EQ22। पिछले पार्ट ए वाले वीडियो में बताया था कि एक्सेस लिस्ट में दो लिस्ट होते हैं, 0 to 99 एंड 100 to 199, और हमने यहाँ पे 199 चूज किया है।
इंटरफेस है हमारा गिग 0/2 और कमांड आईपी एक्सेस -group 199 आउट। हमने आउट कीवर्ड यूज किया है फॉर आउटवर्ड ट्रैफिक, जैसे पिछले प्रैक्टिकल में यूज किया था इन कीवर्ड फॉर इनवर्ड ट्रैफिक। अभी पीसी बी से पिंग करके देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि एक्सटेंडेड ACL इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। पिंग सक्सेसफुल है, ओके। पीसीबी हमने नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेस है बाकी आईपी एड्रेस को हमने पिंग करके देखा है पीसीबी से, और अभी एसएसएच देखेंगे पीसीबी टू स्विच सी। वो भी हो रहा है सक्सेसफुल, एग्जिट करेंगे, फिर चेक करेंगे हम लोग PC8 से बाकी आईपी एड्रेसेस होता है क्या। ये भी सक्सेसफुल है। PCA से स्विच सी का SSH कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन टाइम्ड आउट, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, स्विच बी का ट्राई करेंगे, PCA टू स्विच बी SSH कनेक्शन, ये सक्सेसफुल है। जैसे स्विच बी में लॉगिन होता है वैसे हमें लॉग आउट नहीं करना है, हमें स्विच सी को होता है कि देखना है, जो है एनेबल करके पासवर्ड है ENPA55, फिर प्रॉम्प्ट में आ गया हम लोग SSH-1admin10.101.117.2, पासवर्ड है ADMIN PA55 और हम पहुंच गए हैं स्विच सी वाले प्रॉम्प्ट पे। करेंगे एग्जिट, तो ये प्रैक्टिकल हुआ है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। दोनों पार्ट के वीडियो देख लेना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।